हमने अभी तक कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स की, जैसे कि पॉइंट मास, जैसे कि रिंग, डिस्क, स्फीयर, रॉड, और हमने उनके जो सेंटर ऑफ मास में से या सेंटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है और परपेंडिकुलर दैट फिगर, उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया? बाय इंटीग्रेशन कर लिया। अब सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मैं आपसे ये कहूँ कि चलो एक डिस्क है, सपोज दिस इज अ डिस्क, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा हो तो क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर हमने याद कर लिया इसे। और कैसे किया? हमने इसमें डिस्क जो है वो रिंग्स की तरह एज्यूम की, पहले एक रिंग का निकाला, फिर सभी रिंग का निकाला, ऐड किया, इंटीग्रेट किया, डिस्क आ गया। चलो कैसे भी हमने कर लिया। अब मैंने आपको ये कहा कि चलो मैंने अपना एक्सिस चेंज कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो। अब एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने अपना जो रिजल्ट किया था उसमें एक्सिस क्या माना था? सेंटर। लेकिन अब एक्सिस चेंज हो गया तो जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर रहे होंगे m1, m2, m3 अप टू mn, उन सब का डिस्टेंस अब मुझे किसके अबाउट निकालना है? नए एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, फिर से नए रिजल्ट लगाने पड़ेंगे और नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। चलो आपने कैसे से वो भी निकाल लिया। अब मैंने कहा नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, एक काम करो ये एक्सिस कर दो, चलो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब फिर आपको फिर से सेम रिजल्ट फिर से करना पड़ेगा, तो आप इतने बड़े बड़े रिजल्ट बार बार कर नहीं पाएंगे। और हमारे पास एक शॉर्टकट है जो विद इन नो टाइम, मतलब विद इन 5-10 सेकेंड के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। एक्सिस जो मर्जी हो पर आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद ही करना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास में से यहाँ से पास कर रहे हैं, जो हमने किया हुआ है। तो अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है जो कि सेंटर एक्सिस है, और किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है, और वो जो नया एक्सिस है वो इस एक्सिस के या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या पैरल होना चाहिए, यही कंडीशन है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आप ये नहीं कह सकते मुझे सर इसके अबाउट निकाल दो, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या क्या कंडीशन है कि आपको एक एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया गिवन है और आपको किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है, वो एक्सिस इस एक्सिस की या तो परपेंडिकुलर हो या फिर इसके पैरेलल हो, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एक शॉर्टकट के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट्स क्या हैं? वो शॉर्टकट नहीं है, बेसिकली वो फिजिक्स में थ्योरम है, और दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरी थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आज हम क्या करेंगे, हम ये दोनों थ्योरम्स पे काम करेंगे, इनके प्रूफ देखेंगे, इनके शॉर्टकट देखेंगे, और अलग अलग फिगर में न्यूमेरिकल्स में लगा के देखेंगे ये शॉर्टकट लगते कैसे हैं और ये थ्योरम लगती कैसे है। क्लियर है? और नाम से ही पता लग रहा है, पहली थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया मुझे गिवन होगा और दूसरे एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया मुझे निकालना है, और वो जो दूसरा एक्सिस है पहले एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे होगा, और दूसरे से नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल एक्सिस, तो दूसरा एक्सिस अपने गिवन एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।